तो बाबा वास्तव में आज हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये सार्थक ये चरितार्थ कर दिया कि बाबा बाबा ही होते हैं। एक माता जितना ध्यान नहीं रखती उससे ज्यादा चिंतन पूज्य स्वामी जी करते हैं कि किस किस चीज की आवश्यकता है ग्रस्त करता है। एक माता करती है कि बच्चे के लिए क्या क्या समय पर चाहिए, ऐसे ही पूज्य स्वामी जी ने क्या क्या चिंतन किया कि दांतों के लिए क्या करना चाहिए, रसोई के लिए क्या करना चाहिए, समय पे क्या खिलाना चाहिए। ये केवल भारत का एक सन्यासी ही चिंतन कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि लिखा भी है शास्त्रों में कि आहार निद्रा भय मैथुनं चा सामान वेतत परस्मिर नारायणाम धर्मो हितेशा मदको विशेषो धर्मेण हीरा परस्मिर समाना। अरे भाई रोटी तो सभी खाते हैं, पशु भी खाते हैं, आहार करते हैं, निद्रा पशुओं को भी आती है, इंसान को भी आती है, चार हाथ पैर आपके भी होते हैं, चार हाथ पैर हमारे पशुओं के भी होते हैं, भय आपको भी लगता है, उनको भी लगता है, संतान उत्पत्ति आप भी करते हैं और वो भी करते हैं, लेकिन विशेषता क्या है? आप इंसान हैं, धर्म जैसा मत को विशेष हो, आपका धर्म क्या है, माता का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, आचार्य का धर्म क्या है, ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और राष्ट्रभक्ति के लिए आपको वो चीज बच्चों को देना है जिससे बच्चे स्वस्थ रहें और एकदम अच्छे रहें, उसके लिए आपको एक अच्छा आहार देना पड़ेगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया तो आपके ये खिलते हुए पुष्प मुरझा ना जाए। इसके लिए एक देश का, एक इस धरा का सन्यासी विश्वामित्र की तरह निरंतर चिंतन में है कि कैसे इस धरा से ये आतंकवाद साफ हो जाए, इस धरा से ये भ्रष्टाचारी कंपनियां भाग जाए और स्वदेशी को ला करके इस धरा पर। पूज्य महाराज श्री जी कह रहे थे कि माताओं आप चाहे तो गोहत्या बंद हो सकती है, ये सत्य वचन था। मैं कहता हूँ पूज्य महाराज श्री जी विश्व के सारे इंसान खत्म हो जाए, सृष्टि का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सभी पुरुष चले जाए यहाँ से, पलायन कर जाए, खत्म हो जाए, सृष्टि का कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि किसी माता की कोख में चंद्रशेखर आजाद पल है, भगत सिंह पल है और पूज्य जगत गुरु रामदेव जैसे पल है। अगर ये सृष्टि मात्र शक्ति कहीं विचलित हो गई, ये अपने पद से विमुक्त हो गई, तो ध्यान रखो सृष्टि का और राष्ट्र की बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। मैं दो पंक्तियां कहूंगा कि इधर लगाओ ध्यान रे, इधर का मतलब योग में पूज्य महाराज श्री जी की तरफ लगाओ ध्यान, कि इधर लगाओ ध्यान रे, पावो सुख महान रे, जनो जनो है जनो देवियो ऐसी संतान रे, कौशल्या ने राम को जन्मा, भरत जने केकैया ने, भीमसेन अर्जुन से जोड़ा, जन्मे तुलसी मैया ने, इधर लगाओ ध्यान रे, पावो सुख महान रे, जनो जनो है जनो देवी पूज महाराज की संतान रे। महाराज जैसी अगर अभी पीछे टीवी में एक बात सुनी थी, लोग कह रहे थे कि हर घर से अफजल निकलेगा,